So, दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Redmi 4 को लेकर कि Redmi 4 में MIUI 10 का स्टेबल अपडेट कब तक आने वाला है और किन किन फीचर्स के साथ आएगा MIUI 10 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट। तो दोस्तों आपके मन में तीन क्वेश्चन रहते ही हैं कि भाई MIUI 10 स्टेबल के अपडेट के आने के बाद क्या Redmi 4 में फेस अनलॉक, पोर्ट्रेट मोड और ओरियो अपडेट आएगा कि नहीं। अब ये सब जानने के लिए आपको शुरू से अंत तक देखना होगा मेरी वीडियो, आपके सारे के सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा अभी Redmi Note 4 है और मैं अपना अपडेट दिखा देता हूँ मैं अभी किस अपडेट पर चला रहा हूँ। तो सिस्टम में जाएंगे, अपडेट में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा अपडेट वर्ज़न है 9.6.3.0। अभी मैं MIUI 10 पे नहीं हुआ। और दोस्तों अब बात आती है कि Redmi 4 को कब तक मिलेगा MIUI 10 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले शेड्यूल चेंज हो चुका था तो जो अब सेकंड बैच के डिवाइस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। तो जो Redmi 4 है वो आता है मिड नवंबर वाले बैच में, तो अब आपको मिड सेकंड बैच के मिड नवंबर से स्टार्ट होगा Redmi 4 में रोलिंग आउट होना MIUI 10 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट। और दोस्तों और इससे पहले जो है वो होगा एंड ऑफ अक्टूबर तक, एंड ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होगा रोलिंग आउट इतने सारे डिवाइस को और मिड नवंबर से होगा रोलिंग आउट इतने डिवाइस को। क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है शेड्यूल चेंज की तो वो आप लोग देख सकते हो, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि Redmi 4 में कब तक आने वाला है, अब किन किन फीचर्स के साथ आएगा MIUI 10 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट Redmi 4 में। तो दोस्तों अब बात की जाए पोर्ट्रेट मोड की, Redmi 4 में पोर्ट्रेट मोड कब आएगा। दोस्तों मैं आपको फाइनली जो है आंसर देता हूं कि Redmi 4 में पोर्ट्रेट मोड ज़रूर से ज़रूर आने वाला है, क्योंकि यहां पर बहुत सारी न्यूज़ निकल कर आई थी कि Redmi 4 में भाई पोर्ट्रेट मोड आएगा। लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट अपडेट में आएगा MIUI 10 के साथ या सेकेंड अपडेट या थर्ड अपडेट या फिर कब तक आएगा, लेकिन पोर्ट्रेट मोड आपके Redmi 4 में ज़रूर आएगा। अब बात रही ओरियो अपडेट, तो भाई एक आंसर दे देता हूँ मैं, ओरियो अपडेट आपके Redmi 4 में नहीं आ सकता। हाँ आपने सही सुना, आपके Redmi 4 में अभी ओरियो अपडेट नहीं मिल सकता। कुछ रीज़न है जो कि आपको नहीं मिल सकता है MIUI 10 के साथ ओरियो अपडेट Redmi 4 में आपके डिवाइस में। और दोस्तों अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो है फेस अनलॉक, क्या भाई फेस अनलॉक आएगा आपके Redmi 4 में। तो भाई मैं आपको बता दूँ कि Redmi 4 में अभी फेस अनलॉक का कोई वो कह नहीं सकते कि आ भी सकता नहीं भी आ सकता। आप Redmi 4 में फेस अनलॉक का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, तो आप एक्सपेक्ट लगा सकते हो कि भाई आ सकता है Redmi 4 में। हालांकि जहां तक है आपके Redmi 4 में सिर्फ पोर्ट्रेट मोड आएगा दोनों कैमरे में, फ्रंट में और बैक में, अब फेस अनलॉक नहीं कह सकते तो आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैंने आपके पूरे डाउट क्लियर कर दिए। अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगी। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।